अगर बात करें एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों बैंकों में से बेस्ट बैंक कौन सा है, आपको किस में अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो क्लियरली अगर आपको ज़्यादा कैशबैक चाहिए, ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट चाहिए और अगर आपका स्पेंड ज़्यादा है अगर पर मंथ, तो आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए क्योंकि एक्सिस बैंक में आपको मिलता है अनलिमिटेड बेनिफिट। लेकिन अगर आप उतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते हैं, उतने ज़्यादा आप ऑनलाइन पैसा स्पेंड नहीं करते हैं, तो आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में। एक्सिस बैंक में होता है थोड़े से ज़्यादा चार्जेस, एक्सिस बैंक में आपको ज़्यादा पैसे मेंटेन करना होता है, तो अगर आप उतने पैसे मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा चार्जेस देने होंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छे खासे आप शॉपिंग करते हैं, अच्छे खासे आप स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, तो एक्सिस बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक्सिस बैंक में आपको इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल फंडिंग करने के बाद आपको पैसे मंथली मेंटेन भी करना होगा। अगर आप मेट्रो सिटी से हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो आपको 12,000 रुपये मंथली मेंटेन करना होगा। अगर आप सेमी अर्बन क्षेत्र से हैं, थोड़ा बहुत शहरी इलाका है, तो आपको 5,000 रुपये आपको मेंटेन करके रखना होगा। और अगर आपका रूरल एरिया है, गांव देहात है, एक्सिस बैंक के ब्रांच है, तो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करके रखना होगा। साथ ही पहले इनिशियल फंडिंग करना होगा, जो भी आप इनिशियल फंडिंग करेंगे वो पैसा अकाउंट ओपन होने के बाद आप निकाल सकते हैं। उसके बाद एक्सिस बैंक को आप सिंपल अपने एरियाज के अकॉर्डिंग मेंटेन करके यूज़ कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में भी आपको एएमबी यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। मेट्रो सिटी से हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना होगा। और थोड़ा सा शहरी क्षेत्र है, सेमी अर्बन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आपको 5,000 मेंटेन करना होता है। और गांव देहात में अगर आपका एचडीएफसी ब्रांच है, तो आपको 2,500 मेंटेन करके रखना होगा। एक्सिस बैंक हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो, ज़्यादा मेंटेनेंस के बारे में सोचना नहीं है। जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे, आपको उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप अपने एरियाज के अकॉर्डिंग आप कितना पैसा मेंटेन करेंगे। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक की अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो एक्सिस बैंक में आपको मिलता है 3% से लेकर 3.5% का इंटरेस्ट रेट, और एचडीएफसी बैंक में आपको मिलता है 3% का इंटरेस्ट रेट जो सालाना होता है और क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बैंक अकाउंट में कैसे आता है, तो इसके रिलेटेड मैंने वीडियोस बना चुके हैं, आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में अगर डेबिट कार्ड की बात करें, आप जैसे यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, फुल केवाईसी कंप्लीट करते हैं, आफ्टर 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर आपके घर पे वेलकम किट आता है। एक्सिस बैंक में अलग अलग टाइप के सेविंग अकाउंट है, डिजिटल सेविंग अकाउंट है, ईजी एक्सेस, प्राइम सेविंग अकाउंट, प्रायोरिटी, इस प्रिविलेज, इस तरह के कई सारे डिजिटल सेविंग अकाउंट है। आप जिस भी सेविंग अकाउंट को चूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डेबिट कार्ड मिलता है। जैसे कि सपोज अगर आपने ईजी एक्सेस सेविंग अकाउंट चूज किया है, ईजी एक्सेस सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है यहाँ पे ऑनलाइन रिवॉर्ड डेबिट कार्ड जो वीजा की तरफ से आता है। एचडीएफसी बैंक में इंस्टा सेविंग अकाउंट होता है, तो यहाँ पे आप जब भी जैसे आप फुल केवाईसी कंप्लीट करते हैं, 1 सप्ताह के अंदर आपके घर पे वेलकम किट आता है, जिसमें आपको मिलेनिया का डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका चार्जेस यहाँ पे आपसे 590 रुपये लिया जाता है इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी मिला के 590 रुपये। वैसे जो एनुअल चार्जेस है एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया डेबिट का, वो 500 रुपये है। और एक्सिस बैंक का जो चार्जेस है वो यहाँ पे इसवेन चार्जेस 500 रुपये लिया जाता है। ऑनलाइन रिवॉर्ड डेबिट कार्ड जो है वीजा की तरफ से आता है उसका। अगर आप ई डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं, ई डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड का जो इसवेन चार्जेस होगा वो ऑफ हो जाएगा। एक्सिस बैंक में आपको 4 फ्री ट्रांजेक्शन मिल जाता है। 1 मंथ में आप किसी भी ATM से 4 ट्रांजेक्शन यानी कि कैश विदड्रॉ कर सकते हैं 4 बार बिल्कुल फ्री में। अगर आप उससे ज़्यादा अगर विदड्रॉ करते हैं, तो आपको चार्जेस देने होंगे। और जो एक्सिस बैंक में चार्जेस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक या फिर और कोई अदर बैंक से भी। यहाँ पे एक्सिस बैंक में सबसे ज़्यादा चार्जेस होता है। एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड पे भी आपको मंथ में 4 फ्री ट्रांजेक्शन मिल जाता है। आप 4 बार कैश विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ATM मशीन से। एक्सिस बैंक में एक और फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है, बैंक ब्रांच के द्वारा NEFT RTGS बिल्कुल फ्री है। यानी कि ब्रांच के थ्रू आप किसी को भी अगर NEFT RTGS पैसा भेजते हैं दूसरे अकाउंट में, तो उसके लिए कोई भी चार्जेस बैंक आपसे नहीं लेती है। अगर आप चाहते हैं एक्सिस बैंक में कितना पैसा मेंटेन करना होता है, चार्जेस के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के डेबिट कार्ड की बात करें, तो एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड पे आपको मिलता है सबसे ज़्यादा कैशबैक। यहाँ पे 10% का कैशबैक मिलता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और 30 ऐसे बड़े ब्रांड पे अगर शॉपिंग करते हैं, तो आपको 10% से लेके 15% तक का यहाँ पे आपको कैशबैक मिलता है सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट में। साथ ही एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड पे कहीं पे भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, UPI हो, कहीं पे भी ऑनलाइन पैसा स्पेंड करते हैं, तो 1% का कैशबैक मिलता है। वहीं पे HDFC बैंक के अगर मिलेनियर डेबिट कार्ड का कैशबैक ऑफर के बारे में बात करें, तो 5% का कैशबैक मिलता है पेजअप और स्मार्ट बाय के थ्रू।
जो अक्सर आप शॉपिंग नहीं करते होंगे। अगर आप स्मार्ट बाय पेजअप के थ्रू अगर शॉपिंग करते हैं तो 5% का सीधा सीधा कैशबैक मिलता है HDFC बैंक में। HDFC बैंक के मिलेनिया डेबिट कार्ड पे ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 2.5% का कैशबैक मिलता है। कहीं पे भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, गूगल पे, फोन पे डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, कहीं पे भी ऑफलाइन कोई भी शॉपिंग मॉल पे, पोस्ट मशीन में, तो उसमें आपको मिलता है 1% का कैशबैक। HDFC बैंक में मैंने कितना कैशबैक अर्न किया है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, थंबनेल दिख रहा है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो जो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं और कौन से बैंक के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक हैप्पी बैंकिंग।